महंगाई सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय आवाम एकता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि देश में डीजल, पेट्रोल तथा घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है तथा खाद्य तेलों और खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हुई बढ़ोतरी को कम किया जाए। उन्होंने कहा, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वर्तमान में किए जा रहे जातीय सम्मेलनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए ताकि देश के आवाम को जाति धर्मों में बांटकर कोई भी राजनीतिक दल उसका लाभ न उठा सके। उन्होंने कहा कि आरक्षण को देश से पूर्णता मुक्त किया जाए। इस अवसर पर भारतीय आवाम एकता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविन्द्र चतुर्वेदी, जिला उपाध्यक्ष अनुराग पांडे, महानगर अध्यक्ष सुनील मणि त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, सुशील पांडे, अखिलेश मल्ल, सत्येंद्र कुमार, संजय गुप्ता, वेद प्रकाश, के त्रिपाठी, दुर्गेश पांडे, संजीव चौरसिया, आशुतोष पांडे, निखिल शर्मा, सूरज विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने कहा, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, कम कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, आलू का तेल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो, भारतीय आवाम एकता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय आवाम एकता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, फीस वृद्धि कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, घरेलू वस्तुओं के दाम कम करो, समाज में सर ज्यादातर मेरे महंगाइयाँ जो लग रही है, ये भी हम लोग जो है डेढ़ वर्षों से बेरोजगारी की समस्या है, कोविड की वजह से जो है ये जनमानस के लिए हमको शांति में बैठी था, ये समाज के लिए हम पार्टी निरंतर काम कर रही है। ये जो आप रहे तो भाई सबके लिए है, स्कूलों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है भाव का, जिसके लिए जितने महीने पढ़ाई नहीं हो रही है उतने महीने में भी आगे लगनी चाहिए। ये सर इसके लिए जी, मेरा नाम कुलदीप पांडे, मैं भारतीय एकता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज देखिए भारतीय आवाम एकता पार्टी द्वारा जो जनमानस में ये व्याप्त स्तर पर दिखाया जाए कि भयावह स्थिति जो आई है महंगाई की, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि अभी विगत डेढ़ वर्षों से जो कोरोना काल में बेरोजगारी तो चरम सीमा पे पहुंची गई है, उसी के साथ ये जो दोहरी मार पड़ी है जो हम लोगों के लिए जो महंगाई का, सरसों के तेल, पेट्रोल, डीजल आदि ऐसे घरेलू वस्तुएं, गैस सिलेंडर, तो इस और स्कूल की फीस जो है जो कि बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उसके बाद भी जो गार्जियन के ऊपर ये जो लोड आए हुए हैं, तो ये तमाम जो ये जो दिक्कतें हैं जो आम जनमानस के लिए हैं, तो पार्टी एक साथ जो है एकजुट होकर ये जनता के हित के लिए आज जो है अभी इंदिरा तिराहे से एक शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग पैदल मार्च निकाले हैं और आज डीएम आवास पे पहुंच करके 8 सूत्री ज्ञापन हम लोग जो है राष्ट्रपति महोदय के संबंध में जो हम लोग आज ज्ञापन सौंपे।